राफेल नदाल, एक ऐसे लेजेंड जिन्होंने 5 महीने में क्रचेस से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के ट्रॉफी जीतने तक का सफर तय किया। जानते हैं कि इस टेनिस चैंपियन की अनडिफिटेड स्पिरिट को पूरी दुनिया सलाम करती है। नदाल ने अपने करियर में कई ऐसे कारनामे किए हैं जो कि अनबिलीवेबल है, पर जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में किया वो एक अजूबे से कम नहीं था। टूर्नामेंट के 5 महीने पहले म्यूलर वेज सिंड्रोम की वजह से नदाल के पैर में क्रोनिक पेन हुआ एंड ही हैड टू अंडरगो ट्रीटमेंट। नदाल को क्रचेस का सहारा लेना पड़ गया। जो इंसान बिना सहारे चल नहीं सकता वो क्या ही टेनिस कोर्ट पे दौड़ पाएगा। साफ था कि इस बार उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन से विड्रॉ करना ही होगा, पर नदाल तो नदाल है। ऐसी हालत में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट किया, पर सिर्फ खेलने के इरादे से नहीं बल्कि जीतने के इरादे से। 35 की एज में जब मैक्सिमम टेनिस स्टार्स रिटायरमेंट मोड में होते हैं, नदाल ने इंजरी के साथ सारे पेन्स और डाउट्स को भुला के इस कदर खेले कि सारे यंग प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में अपना झंडा गाड़ दिया और अपना 21st ग्रैंड स्लैम जीता। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब नदाल ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। नदाल के एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिटर्मिनेशन का पहला ग्लिम्स दिखा स्पैनिश अंडर 14 नेशनल चैंपियनशिप में, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। नदाल पूरी तैयारी के साथ कॉम्पिटिशन में उतरे, पर अनफॉर्चुनेटली पहले ही राउंड में बहुत बुरी तरह से गिरने की वजह से उनकी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली टूट गई। टूटे हुए उंगली के साथ खेलना तो दूर, रैकेट पकड़ना भी मुश्किल है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 4 उंगली से रैकेट थामी और खेलना शुरू किया, और ऐसा खेला कि सब देखते रह गए। वो मैच तो वो जीते ही, लेकिन टूटी हुई उंगली के साथ खेलते हुए उन्होंने वो टूर्नामेंट भी जीत के दिखाया। नदाल टेनिस वर्ल्ड में एक फोर्स के जैसे आगे बढ़ते गए और 2005 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता, बीटिंग इज आर्क राइवल रॉजर फेडरर। और यहाँ से शुरू हुई नदाल वर्सेस फेडरर की टेनिस हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी। द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वर अमेजिंग फॉर द चैंप। उन्होंने बैक टू बैक मेजर चैंपियंस जीते और टेनिस वर्ल्ड के स्टार बनकर उभर के आए। पर 2011 में अपने पेरेंट्स की डिवोर्स की न्यूज ने नदाल को हिला के रख दिया। नदाल की पूरी दुनिया मानो उनकी आंखों के आगे खत्म हो रही थी, क्योंकि उनके लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ थी। इसका सीधा असर उनकी हेल्थ और गेम पर हुआ। वो सबसे कटे कटे चुपचाप रहने लगे और एक के बाद एक मैचेस हारने लगे। इन सब के बीच एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे रफा को एक और झटका लगा। फ्रेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर रोसलिन बैशलो ने राफेल नदाल पे एक डोपिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने क्लेम किया कि अथॉरिटीज ने भी इस मैटर को दबाने की कोशिश की। इस न्यूज ने पूरे स्पोर्ट्स वर्ल्ड को हिला के रख दिया। नदाल का मीडिया में मजाक उड़ने लगा और लोग उन्हें शक की नजर से देखने लगे। राफेल को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने बैशलो पे केस कर दिया, जो कि वो इवेंचुअली जीत गए। लेकिन इल्जाम लगने से केस जीतने तक नदाल बड़े ट्रॉमा से गुजरे। हाल ही में हुए पेरेंट्स का डिवोर्स, क्रिटिक्स के कमेंट्स, और अब इस ट्रॉमा के चलते शायद ही अब वो दोबारा वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल हासिल कर पाते। लेकिन चाहे मुश्किलें लाख बड़ी हो, वो किसी चैंपियन का फोकस बिगाड़ नहीं सकती। इस अगली कंट्रोवर्सी के बाद 2013 में इस चैंपियन ने बाउंस बैक किया और अपना वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल क्लेम करते अपने क्रिटिक्स के मुंह पे ताला लगा दिया। नदाल के स्पोर्टिंग जर्नी में कई और उतार चढ़ाव आए, पर वो उनमें से है जो जितना नीचे गिरते हैं बाद में उससे कई ऊंची उड़ान भरते हैं। 2015, ये वो साल था जब कॉन्स्टेंट इंजरीज और पुअर फॉर्म के चलते नदाल का सेल्फ स्टीम रॉक बॉटम हिट कर चुका था, और इस बात का सीधा इफेक्ट उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ा और उन्हें मेजर एंग्जाइटी इश्यूज होने लगे। वो इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने से पहले घबराने लगे। उनको लाइफ में पहली बार ये डर लगने लगा कि वो शायद अब और नहीं खेल पाएंगे। उनके पुअर फॉर्म को देखकर सबने ये ऑलमोस्ट कंक्लूड कर लिया था कि हिज करियर इज ओवर नाउ, पर ये और कोई नहीं नदाल थे। ये थोड़े वक्त के लिए थककर बैठ तो सकते हैं, पर गिव अप कर देना इनको कहा आता है।
ही टुक हिज टाइम टू फोकस ऑन हिज मेंटल हेल्थ। और 2017 में उन्होंने ग्रैंड कमबैक करते हुए फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम कर दिखाए और फिर से वर्ल्ड नंबर वन की पोजीशन पे जाके बैठ गए। नदाल एक ऐसे एथलीट है जिन्होंने अपने करियर में कई चैलेंजेस फेस किए, पर उसके बावजूद उन्होंने अपने अनबिलीवेबल प्रिजर्वियरेंस से आज एक लेजेंड का दर्जा हासिल किया है। उनके नाम आज 22 ग्रैंड स्लैम्स और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स है। वी सल्यूट हिज अनडिफीटेड स्पिरिट।